नमस्ते, मैं सृष्टि, मैं साक्षी, मैं सौरवी और बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशक्ति सक्सेना सिस्टर्स पर। तो 15 दिसंबर 2023 को हम लोग उज्जैन गए थे। हमने पहले महाकाल बाबा के दर्शन किए और फिर हम लोग आए हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन जगह पे, जो है भर्तृहरि गुफाएं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से चारों धाम की यात्रा का पुण्य मिलता है। हमारे भारत के एक बहुत ही महान राजा हुए हैं सम्राट विक्रमादित्य। उनके बड़े भाई चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि के राजा से योगी बनने तक की कहानी ये गुफा हमें बताती है। महाराज भर्तृहरि की तपोभूमि है ये गुफाएं। तो उज्जैनी नरेश महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी महारानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार वो आखेट खेलने के लिए गए, उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। हिरण जंगल में ही तपस्या कर रहे एक महायोगी के सामने गिरा, जिससे महायोगी की आंखें खुल गई। अब महाराज जब वो हिरण लेने के लिए वहां पे पहुंचे, तो वो महायोगी महाराज से बोले कि महाराज, इस हिरण पे किसका अधिकार होना चाहिए, जिसने इसके प्राण लिए उसका, या जो इसको प्राण दे सकता है उसका। ये बोलकर उन महायोगी ने उस हिरण में वापस से प्राण डाल दी। वो महान योगी, महान तेजस्वी गुरु गोरक्षनाथ जी थे। महाराज भर्तृहरि ये दृश्य देखकर अत्यंत अचंभित हो गए और उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी से कहा कि हे स्वामी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। पर गुरु गोरक्षनाथ जी ये जानते थे कि महाराज इस वक्त मोह माया में फंसे हुए हैं और वो कठिन तपस्या भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, अभी सही समय नहीं आया है, हम कभी भविष्य में देखें। ये सुनकर महाराज भर्तृहरि उनको विनम्रता से प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब एक बार महाराज ने अपनी प्रिय पत्नी महारानी पिंगला की परीक्षा लेने की सोची। वो जब आखेट खेलने गए थे, तो उन्होंने अपने मृत्यु की झूठी खबर अपनी पत्नी तक पहुंचाई। उनकी पत्नी महारानी पिंगला ये खबर सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब महाराज को ये बात पता चली, तो वो अत्यंत दुखी हुए। वो शमशान में उनकी चिता के सामने बैठकर रोने लगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आए और उनके सर पे एक मटकी थी। उन्होंने उस मटकी को तोड़ा और वो उस मटकी के लिए रोने लग गए। महाराज भर्तृहरि ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप इस मटकी के लिए क्यों रो रहे हैं, मैं आपको ऐसी हजारों मटकी लाके दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति बोले कि जैसी मेरी मटकी है, वैसी आप लाके नहीं दे सकते। और महाराज, आप भी तो मोह माया में फंसकर रो रहे हैं, आप चाहें तो मैं भी आपके सामने सैकड़ों महारानी पिंगला प्रकट कर सकता हूँ। ये बोल के वो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वो थे महान तेजस्वी गुरु गोरक्षनाथ जी। तब राजा भर्तृहरि ने उनसे बोला कि महाराज, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका चरणों का दास बन के रहूंगा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी साधना से वहां अनंत पिंगलाएं प्रकट कर दी। महाराज भर्तृहरि ये दृश्य देखकर विस्मित हो गए। उन्हें एक अनोखी अनुभूति हुई, उनको विवेक जागृत हुआ और उनके सामने मोह माया का भेद खुलने लगा और उनका सारा भ्रम समाप्त हुआ। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये संसार तो नश्वर है। वे भाव विभोर होकर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और वो बोले कि वो गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य बनना चाहते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उन्हें वहीं पर योग और वैराग्य का उपदेश दिया और अपना शिष्य स्वीकार किया। गुरु गोरक्षनाथ जी के तपोबल से वहाँ पर जितने भी महारानी पिंगलाएं प्रकट हुई थी, वो अपने आप अदृश्य हो गई। महाराज भर्तृहरि ने फिर इन्हीं गुफाओं में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और कई सारी सिद्धियां अर्जित की, जिनमें से कुछ है लघिमा, अणिमा और अग्रहता। उन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जैसी महान कृतियां भी लिखी हैं। तो ये जो मूर्ति है, ये गुरु गोरक्षनाथ जी की ही मूर्ति है। हमारे भारत का इतना महान इतिहास इस स्थान से जुड़ा हुआ है। और अगली बार आप जब भी उज्जैन आओ, तो भर्तृहरि गुफाओं के दर्शन ज़रूर करना। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग का एक्सपीरियंस रहेगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरी गुफा के दर्शन कर लिए और फिर हम लोग बाहर वापस आने लग गए। तो अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अगर आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।